यार आजकल हम सबके पास इतना ज्यादा फ्री टाइम है कि पूछो मत. हाँ स्टे एट होम, लेकिन वैसे मेरी बॉस भी मुझसे उतना ही काम करा रही है, लेकिन फिर भी ट्रैवल टाइम के 2-3 घंटे और उसके अलावा आसपास घूमने नहीं जा पाना, उसके 1-2 घंटे बच ही जाते हैं. विच मीन्स दैट वी हैव इनफ एंड मोर टाइम टू इंटरमिटेंटली बिंज वॉच अ लॉट ऑफ वेब शोज. एंड सो मैंने देखा हॉटस्टार वीआईपी पर नीरज पांडे का नया शो स्पेशल ऑप्स. यार जब के मेनन और नीरज पांडे ये दो नाम किसी शो में शामिल हो तो इंट्रीग तो अपने आप बन ही जाता है, और जब ट्रेलर उससे भी ज्यादा इंट्रीगिंग हो तो फिर बेचारी ऑडियंस अपने आप को ये शो देखने से कैसे रोके. कहानी है हिम्मत सिंह की, जो रॉ में एक एनालिस्ट है. अब 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था उसमें 5 टेररिस्ट शामिल थे जिसको मार दिया गया था, लेकिन हिम्मत सिंह का यह विश्वास है, उनको ये लगता है कि उस अटैक में 5 नहीं बल्कि 6 टेररिस्ट शामिल थे. तो कहां गया वो छठा टेररिस्ट? वही था शायद उस अटैक का मास्टरमाइंड. तो हिम्मत सिंह पिछले 19 साल से लगा हुआ है इस कोशिश में कि किसी तरह से उसे ढूंढे, और इस स्पेशल ऑपरेशन में हिम्मत सिंह का साथ देते हैं उनके 5 एजेंट जो दुनिया के अलग अलग कोने में बसे हुए हैं. तो क्या हिम्मत सिंह की ये टीम उस छठे टेररिस्ट को ढूंढ पाती है? क्या उसके अगले प्लान को नाकाम कर पाती है? यही कहानी है स्पेशल ऑप्स की. मुझे फर्क नहीं पड़ता कितनी लाशें गिरेंगी, मुझे इखलाक खान के मौत की कंफर्मेशन चाहिए. यार गालियां तो इस शो पर दी है लेकिन बड़े प्यार से, और जब के मेनन जैसा एक्टर अपने अनोखे अंदाज में गाली भी दे तो ऐसा लगता है कि भाई वाह क्या स्टाइल से गाली बोला है. कुछ बीप बीप मोमेंट्स के अलावा इस शो पर ज्यादा कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्शनेबल तो वो लोग हैं मिलॉर्ड जो आजकल सड़कों पर निकल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मत निकलो. वैसे इस शो का बीप मीटर काफी लो है. इंसान नहीं है वो, शैतान का ख्याल है. यार मैं अक्सर कहता हूँ कि जो कहानी 7 या 8 एपिसोड में खत्म हो सकती है उसको 10-11-12 एपिसोड तक क्यों खींचते हो? आखिरकार नीरज पांडे साहब ने मेरी सुन ली. स्क्रीन प्ले, डायलॉग राइटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक इज टॉप नॉच, टिपिकल नीरज पांडे, टाइम वसूल और पैसा वसूल एंटरटेनमेंट. बड़ा ऑथेंटिक शो है वैसे. टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो नाम है वही नाम इस्तेमाल हुए हैं, और 26/11 मुंबई पर जो अटैक हुआ था उसका भी एक एंगल है इस शो में. और मेरा फेवरेट सीन इन द एंटायर सीरीज इज द वन बिटवीन कसाब एंड हिम्मत सिंह. नो मेलोड्रामा, इट्स अ कोल्ड ब्लडेड कॉन्वर्सेशन. वैसे हिम्मत सिंह का इस शो में एक डायलॉग भी है कि हर एजेंट के करियर में एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है, और ये सीन बिटवीन कसाब एंड हिम्मत सिंह इज दैट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फॉर द ऑडियंस. अगर आपने ये सीन देख लिया तो आई प्रॉमिस यू आप पूरा सीजन पक्का देखेंगे. एंड सो मेरे हिसाब से हॉटस्टार वीआईपी पर नीरज पांडे का नया शो स्पेशल ऑप्स इज डेफिनेटली बिंज वर्दी. और जिस तरह से हिम्मत सिंह इस मिशन के पीछे पड़ गया था पूरी शिद्दत से, उसी तरह से मुझे और आपको लड़ना है कोरोना वायरस के खिलाफ. तो प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ, ना किसी के घर जाए ना किसी को घर आने दे. अपना ख्याल रखें, हर 20-25 मिनट अपने हाथ धोते रहे, सैनिटाइज करते रहे. अगर खांसी या छींक आए तो फिर यहाँ पर करिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि भाई कोरोना के सिम्टम्स हैं तो प्लीज गेट इन टच विद द अथॉरिटीज एंड डू व्हाट दे से. ऑलराइट, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लुक आफ्टर योरसेल्फ्स एंड योर फैमिलीज. आई विल सी यू सून ऑन जस्ट इंटरव्यूज.